हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो अपडेट है ये नेवरा दनियावर रेलवे लाइन पे ये जो फ्लाईओवर बन रही है उसका अपडेट है। मतलब यूं कहें कि इस साइड से अगर आप चले जाइएगा तो सामने जो आपको ब्लू ब्लू देख रहा है वहाँ पर जो गाड़ी चल रहा है वाइट वो पटना बक्सर फोर लेन है। हालाँकि इस पर काम नहीं चल रहा है क्योंकि ये एलिवेटेड पार्ट है, इसीलिए इस पर काम अभी नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो रोड है ये आगे जाके कर्व होकर के वहाँ पर डाउन होगी, तो फ्यूचर में ये रोड जो है कि इस साइड नवतपुर पाली दुल्हिन बाजार के लिए अभी मेन रोड भी यही है अभी प्रेजेंट में। फ्यूचर में कुछ हो सकता है फोर लेन सिक्स लेन अलग से निकल जाए, बात की बात है, लेकिन मेन वही है। और मेन इसका बनाने का मकसद कि जो इस रूट में जो भी गाड़ियां चलती है स्पीड बढ़ाने के लिए हर जगह फ्लाईओवर अंडरपासेस का निर्माण किया जाए। और इस फ्लाईओवर का जो पार्ट है, मतलब ये तो रेलवे का काम होता है, जो बीच वाला काम होता है गटर वगैरह रखने का वो रेलवे का काम होता है। इस साइड जो है वो दयाल हाईटेक कंपनी बना रही है जो यहाँ के लोगों के द्वारा और मजदूरों के द्वारा हमें बताया गया। और ये जो देख रहे हैं ये नेवरा दनियावा का पार्ट है थर्ड लेन, मतलब ये पटना और मुगल सराय रेलवे लाइन का मेन रेलवे लाइन है, मेन ट्रैक है। मतलब इस साइड दानापुर है और इस साइड जो है कि मुगल सराय है, आगे में नेवरा है। तो नेवरा से जो नया रेलवे लाइन का एक ट्रैक निकलने वाला है तो यहाँ पे जेसीबी से और रोलर मशीन से मिट्टी को चाहता जाए, जेसीबी आगे लगा हुआ है। तो इस साइड एंटी लाइट है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड में दिखा रहा हूँ। तो ये अंडर इस साइड से गुजरेगी, फिर ऐसे होकर के ये दनियावा साइड चली जाएगी जट डुमरी होते हुए। मैं इसका वर्क दिखा रहा हूँ कि देखिए इसका काफ़ी काम हो चुका है। चलिए और आगे अपडेट देता हूँ। से मेजर वर्क इसी साइड चल रहा है, इस साइड एक भी काम नहीं चला, जो काम है बस यहीं तक जो आपको दिख रहा है। क्योंकि इस साइड लैंड एक्विजिशन का लेके प्रॉब्लम है काफ़ी दिनों से, इस तरफ ज़मीन बहुत महंगी है, 50 लाख 60 लाख रुपए कट्ठा है। तो हो सकता है जिसकी वजह से काम अभी फंसा हुआ है, ज़मीन और रोड के नज़दीक भी है, तो हो सकता है कि सरकार का वो एक टोपो लेन के नाम से आता है जो कि हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का हो और लोग कह रहे हो मेरा हो, तो कागज़ पत्र के लेके काम फंसा हुआ है। हर कोई अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता है, बचाना चाहता है। तो सरकार की ज़मीन होगी तो सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए पायल कैप का यहाँ पे पायलिंग का काम चल रहा है और ये सरिया बांध करके जो है कि एक पायल भी निकाला जा चुका है, पियर निकाला जा चुका है। और काफ़ी इससे पहले जब आया था तो पायल का काम चल रहा था, लेकिन अभी पियर भी आपको जो है वो सामने दिख रहा है और बहुत जल्द इसे कम्प्लीट कर लिया जाएगा क्योंकि इसका काम बहुत फास्ट हुआ है। जो आपके सामने देखिए किस तरीके से ये बोरिंग मशीन से अंदर से ड्रिल किया जा रहा है, ऐसे इसे और भी कुछ कहा जाता हो तो बता सकते हैं आप हमें। यहाँ पे आप देखिए कैसे किस तरीके से पायल किया जाता है, वो लोहे का गोल गोल फरमा इसमें डाल करके पायल किया जाता है, देखिए मशीन। तो अंदर में भी पायल का काम चल रहा है जो आपके सामने है। वैसे जो लोग इधर के रहने वाले नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा फ्लाईओवर, लेकिन जो लोग इधर रह रहे हैं, मतलब अप्रोक्स अगर बात करूँ तो 10 लाख लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद फ्लाईओवर बनने वाला है। क्योंकि अभी रेलवे गुमटी है जो मैं आपको दिखाया है इस साइड में, ये जो बना हुआ है यहाँ पर घेरा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये रेलवे गुमटी है। तो इसको मतलब इस रूट से बहुत गाड़ियाँ चलती हैं तो जिसकी वजह से लोगों को वेट करना पड़ता है, वो वेटिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और गाड़ियाँ फराटे भरते हुए इस तरफ से उस तरफ चली जाएंगी। तो ऐसे लेंथ की बात करूँ तो ज़्यादा इसकी लेंथ भी नहीं है, अप्रोक्स 1200 से 1300 मीटर होगा, 1.5 किलोमीटर हाइएस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जो रेलवे वाला जो फ्लाईओवर होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है रोड वाले के मुकाबले, तो उसी तरीके से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर होगा। तो जो भी यहाँ तक का फ्लाई ओवर का यह पियर आप देख रहे हैं 8-10 जो भी है, इस साइड से इस साइड तक 6 पियर है। उसके बाद हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पर और हो तो बात की बात है, बाकी अप्रोच रोड रहेगा। तो इसी तरीके से 1 से 1.5 किलोमीटर का एक एवरेज रहता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पायल कैप के लिए भी काम, पियर मतलब पियर कैप के लिए जो है कि सरिया बांधा जा रहा है, फर्मा भी लगाया जा रहा है, जो आपके सामने देखिए लोहे का सेंटरिंग का काम चल रहा है। तो इस तरीके से इसका काम चल रहा है जो आपके सामने है और मैं इसका कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा ये जब तक का कंप्लीट ना हो जाए। तो जो काम है वो यहीं तक है, फिर यहाँ से जो है कि फिर आगे का अप्रोच रोड बनेगा, रोड बन करके फिर हाइट होते हुए ये पियर का जो काम आप देख रहे हैं यहाँ तक एक मेंटेन कर दिया जाएगा, उसके बाद गाड़ी चलेंगे। हालांकि ये स्टेट हाईवे है तो इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होगी, मतलब एक अप एक डाउन के लिए गाड़ियाँ के लिए होगी, अप्रोक्स 8 से 10 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा चौड़ाई। और हाइट तो आप देख ही रहे हैं जो आपके सामने है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अब मैं किसी और पार्ट में मिलूँगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।